हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 की ऑनलाइन क्लास में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस खंड ए का लेसन 3 धर्म के बारे में। इसमें हम बात करेंगे धर्म का अर्थ, धर्म और धर्म निरपेक्षता, धर्म और नैतिकता, धर्म और राजनीति और धर्म और अहिंसा के बारे में। इससे पहले भी और लेसन्स के वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट को क्लिक करके वो वीडियोस आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा, ये वीडियोस आपके लिए निशुल्क अवेलेबल हैं, इसका आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इनको जब भी देखें ऑनलाइन ही देखें, यूट्यूब पर आप इनको डाउनलोड करके नहीं देखें। डाउनलोड करने से आपका और हमारा दोनों का नुकसान है, आपका MB ज्यादा खर्च होगा और हमारे चैनल पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है। तो आप सभी से एक बार पुनः ये कह रहा हूं कि आप इसको डाउनलोड नहीं करें, जब भी देखें आप YouTube पर जाकर ऑनलाइन ही इसे देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। पॉलिटिकल साइंस का खंड ए का पहली इकाई है प्रमुख अवधारणाएं। इसमें आज हम पढ़ेंगे तीसरा लेसन धर्म की अवधारणा। इससे पहले हमने दो लेसन कंप्लीट कर चुके हैं, पहला था न्याय की अवधारणा, दूसरा शक्ति सत्ता और वैधता की अवधारणा, और आज हम पढ़ेंगे तीसरा लेसन धर्म की अवधारणा। वैसे तो धर्म का अर्थ अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग इसका अर्थ बताया है। स्वामी विवेकानंद ने आध्यात्मिकता और बाह्य औपचारिक धर्म में अंतर करते हुए कहा है, धर्म मनुष्य में पहले से व्याप्त देवत्व व आध्यात्मिकता का विस्तार मात्र है। अंडरलाइन कर लें आप इसे, ये कोटेशन किसका है? स्वामी विवेकानंद का है। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है कि धर्म मनुष्य में पहले से व्याप्त देवत्व व आध्यात्मिकता का विस्तार मात्र है, ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन है स्वामी विवेकानंद का। वैसे तो सभी धर्म गुरुओं और अध्यात्म को समझने वाले विद्वानों ने अपने मत एवं विचार के आधार पर धर्म और अध्यात्म की परिभाषा प्रस्तुत की है, जिनमें प्रमुख कन्फ्यूशियस, मोजेस, पाइथागोरस, बुद्ध, महावीर, स्वामी ईसा मसीह, मोहम्मद पैगंबर, मार्टिन लूथर, कैल्विन, गुरु नानक, सभी ने, इन सभी धर्म गुरुओं ने और अध्यात्म को समझने वाले विद्वानों ने सभी ने मनुष्य में दिव्यता का संदेश दिया है, यानी मनुष्य में एक दिव्यता व्याप्त होती है। ऐतिहासिक रूप से विश्व के विभिन्न भागों में काल, स्थान और संस्कृति के अनुरूप कई धर्मों का उद्भव और विकास हुआ है, यानी समय, काल, परिस्थिति के अनुसार अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग देशों में अलग अलग धर्मों का उद्भव हुआ है और उनका विकास भी हुआ है। और समय, स्थान और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिस्थितियों के परिवर्तनों से धर्मों में परिवर्तन भी आए। बाहरी रूप से सभी धर्मों ने मूलतः एकता के बुनियादी तथ्यों एवं मूल्यों की बात की है, यानी अगर मोटा मोटा तौर पर देखें तो सभी धर्मों ने, कोई धर्म ऐसा नहीं कहता है कि जो एकता की बात नहीं करता हो या जो समाज में विखंडन पैदा करता हो, समाज के टुकड़े करता हो, ऐसी बात कोई भी धर्म नहीं कहता है। बाहरी रूप से सभी धर्मों ने मूलतः एकता के बुनियादी तथ्यों एवं मूल्यों की बात की है। वर्तमान समस्या अलग अलग धर्मों और मतों में एकता स्थापित करने की चेष्टा है, यानी वर्तमान में जो मेन प्रॉब्लम है वो है इन सभी अलग अलग धर्मों में एकता स्थापित करने की चेष्टा करना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने आध्यात्मिकता को धर्म का अभिकेंद्र माना है। ये भी अंडरलाइन कर ले आप कि धर्म, आध्यात्मिकता को धर्म का अभिकेंद्र किसने माना है? तो ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उनके अनुसार धर्म का सार इस बात में निहित है कि यह आत्मा के उन्नयन के लिए, यानी आत्मा के विकास के लिए आध्यात्मिक पक्ष पर बल दे और जीवन को धर्म निरपेक्षता की ओर अग्रसित करे। तो ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की परिभाषा। और आइए अब हम बात करते हैं धर्म का अर्थ, मीनिंग ऑफ रिलीजन, यानी इसका क्या अर्थ होता है। तो जहां तक धर्म शब्द की परिभाषा का प्रश्न है, यानी अगर हम धर्म की परिभाषा करें या धर्म का अर्थ निकालें, तो ये अलग अलग संस्कृतियों और देशों में अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। भारत में इसे कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचरण तथा सद्गुण के अर्थ में मान्यता प्राप्त है। यानी भारत में अगर हम धर्म की परिभाषा करें, धर्म का अर्थ बताएं, तो क्या बताएंगे कि कर्तव्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, न्याय पर चलना, सदाचरण का पालन करना, सद्गुण होना, ये सब क्या है? ये धर्म के गुण हैं।
अर्थात अगर ये सब गुण हैं तो वो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का है। तो कर्तव्य, अहिंसा, न्याय, सदाचरण तथा सद्गुण के अर्थ में मान्यता प्राप्त है। सामान्यतः हम धर्म को विश्वासों और प्रथाओं की ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसके माध्यम से लोगों का समूह ये व्याख्या करता है कि उसके लिए क्या पवित्र और सात्विक है। यानी अगर हम सामान्य रूप से धर्म की अगर परिभाषा करें तो हम कह सकते हैं कि धर्म क्या है, विश्वासों और प्रथाओं की एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से लोगों का समूह ये व्याख्या करता है, ये बताता है कि उसके लिए क्या पवित्र है और क्या सात्विक है, यानी उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यही उसकी धर्म की परिभाषा है। वस्तुतः धर्म उन्नति और कल्याण में साधक होता है। यानी अगर हम किसी भी धर्म की बात करें तो कोई धर्म ऐसा नहीं है जो व्यक्ति की उन्नति में बाधक होता हो या व्यक्ति के कल्याण में वो साधक नहीं होता हो। तो वस्तुतः धर्म उन्नति और कल्याण में साधक होता है। व्यक्ति का उच्चस्थ विकास स्वयं को जानना है। व्यक्ति का उच्चस्थ विकास क्या है? स्वयं को जानना, खुद को जानना। जब वह स्वयं को जान लेता है तभी वह परमार्थ में जुटता है। यानी जो व्यक्ति खुद को पहचान लेता है, खुद की क्षमताओं का जैसे ज्ञान होता है, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति परमार्थ की ओर भी जुटता है। परमार्थ यानी दूसरे के भलाई के कार्य में। अंग्रेजी में धर्म का समानांतर शब्द रिलीजन होता है। अंडरलाइन कर लें इसे भी। ये भी शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजी में धर्म का समानांतर शब्द या धर्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रिलीजन, RELIGION, रिलीजन, जिसका अर्थ है आस्था, विश्वास अथवा अपनी मान्यता। यानी अगर हम अंग्रेजी के इस शब्द का अर्थ देखें तो इसका बहुत ही सीमित अर्थों में इसका शब्द निकल कर आता है और वो है आस्था, विश्वास और अपनी मान्यता। लेकिन अंग्रेजी का शब्द रिलीजन सही अर्थों में धर्म को स्पष्ट नहीं करता है। वस्तुतः धर्म किसी पूजा पद्धति, तिलक चोटी, दाढ़ी, टोपी, गंडा ताबीज धारण करने का नाम नहीं है। यानी अगर हम धर्म की बात करें तो धर्म किसी विशेष रूप से कि पूजा पद्धति करने का नाम धर्म है। यानी आप नित्य मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत वो कर्म कांड कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, तो ये धर्म नहीं है। या आप तिलक लगा रहे हैं, तिलक चोटी, दाढ़ी, टोपी रखना, गंडा ताबीज धारण करना, ये धर्म नहीं है। वास्तव में प्रत्येक मनुष्य को अपना सुनिश्चित कर्म अथवा कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करना ही धर्मानुसार आचरण है। यानी धर्म क्या है? अपने सुनिश्चित कर्म का पालन करना या अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करना ही धर्मानुसार आचरण है। और ये तभी संभव है जब मनुष्य स्वार्थ, संकीर्णता, अभिमान और दूसरों पर शासन करने की इच्छा का परित्याग करे। यानी कोई भी व्यक्ति अपने निश्चित कर्म का, अपने निश्चित कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन कब कर सकता है? जब उसमें स्वार्थ, संकीर्णता, अभिमान या फिर दूसरों पर शासन करने की इच्छा अगर उसमें नहीं हो या वो इसका परित्याग कर दे। धर्म सर्वत्र पवित्र माना गया है। यानी कहीं भी, किसी भी देश में, किसी भी संस्कृति में धर्म को अपवित्र नहीं माना गया है। सर्वत्र धर्म को पवित्र माना गया है। लेकिन धार्मिक पवित्रता सापेक्षवादी है, जिसको एक धर्म पवित्र मानता है। यानी सापेक्षवादी का अर्थ क्या होता है? कि किसी चीज़ को कोई एक धर्म जो है वो पवित्र मानता है। ये संभव है कि दूसरे धर्म में उसे घृणा की दृष्टि से देखा जा सकता है। वास्तव में मनुष्य ही ये निर्धारित करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्या पवित्र है और क्या अपवित्र है? ये कोई धर्म नहीं कह सकता। कोई चीज़ एक धर्म में पवित्र मानी जाती है तो वही चीज़ दूसरे धर्म में अपवित्र भी हो सकती है। तो इसका निर्धारण कौन करे? तो वास्तव में मनुष्य ही ये निर्धारित करते हैं कि उनके लिए क्या पवित्र है और क्या नहीं। धर्म को एक ऐसे एकीकृत प्रणाली के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है जो अपनी प्रथाओं और विश्वासों से एक समुदाय विशेष को नैतिकता से जोड़ता है। और अब हम बात करते हैं धर्म और धर्म निरपेक्षता की, रिलीजन एंड सेक्युलरिज्म। भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्म निरपेक्षता का अर्थ पाश्चात्य धर्म निरपेक्षता से सर्वथा भिन्न है। यानी अगर हम भारत के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में अगर हम धर्म की बात करें या धर्म निरपेक्षता की बात करें तो ये पाश्चात्य धर्म निरपेक्षता से बिल्कुल भिन्न है। चूंकि भारत क्या है? भारत बहुधर्मों का देश है। यहाँ पर कई सारे धर्मों के जो लोग हैं वो निवास करते हैं,
जिसमें अनेक धर्म व मतों के अनुयायी निवास करते हैं। धर्म निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी धर्म के मानने वाले के साथ भेदभाव न हो। अंडरलाइन कर लें आप, धर्म निरपेक्षता क्या है? धर्म निरपेक्षता है किसी भी धर्म के मानने वाले के साथ भेदभाव न हो और सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाए। भारत में धर्म निरपेक्षता को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, यानी हमारे यहाँ संविधान में धर्म निरपेक्षता का प्रावधान किया गया है और यह सर्वत्र स्वीकार्य है। ये भारतीय संस्कृति की मौलिक अस्मिता है, क्योंकि भारत में अनेक मत व मतांतर पाए जाते हैं। भारत में ईश्वर को मानने वाले भी हैं और ईश्वर की सत्ता को नकारने वाले भी हैं। धार्मिक सहिष्णुता इस देश की मिट्टी में है। तो हम कह सकते हैं कि धर्म निरपेक्षता क्या है? भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्म निरपेक्षता है कि किसी भी धर्म के मानने वाले के साथ कोई किसी तरह का भेदभाव न हो। आधिकारिक तौर पर संविधान के अनुसार हमारे राज्य का जो धर्म है वो कोई एक विशेष धर्म न होकर हमारे यहाँ पर सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है। और अब बात करते हैं धर्म और नैतिकता, रिलीजन एंड मॉरलिटी। धर्म का मूल लक्ष्य मानव मात्र की सेवा करना है। धर्म अच्छे आचरण, करुणा, शील व अहिंसा पर बल देता है। सभी धर्मों में सिद्धांततः यही भावना निहित है, यानी किसी भी धर्म में ये नहीं कहा जाता है कि आप हिंसा करें या अच्छा आचरण नहीं करें, दूसरों के प्रति करुणा नहीं रखें, ये किसी भी धर्म में नहीं कहा जाता है। सभी धर्मों में सिद्धांततः यही भावना निहित है, धर्म बुराइयों से दूर रहने व भलाई व सदाचार के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। धर्म का मूल स्वरूप आध्यात्मिक व आडंबर रहित है, यानी कोई सा भी धर्म ये नहीं कहता है कि आप आडंबर करें, दिखावा करें, यानी प्रत्येक धर्म का मूल स्वरूप आध्यात्मिक है और आडंबर रहित है, जिसमें किसी तरह का कोई आडंबर नहीं है। धर्म का काम भलाई करना और उसकी स्तुति करना है। धर्म और राजनीति का विवेकपूर्ण मिलन मानवीय कल्याण में साधक होता है, यानी जहाँ पर धर्म और राजनीति का आपस में मिलन जो है वो विवेकपूर्ण तरीके से अगर हो तो वो मानवीय कल्याण में साधक होता है। भारतीय विचारधारा के कई विद्वान पाश्चात्य शब्द रिलीजन को धर्म शब्द के पर्यायवाची शब्द के रूप में स्वीकारने से हिचकिचाते हैं, यानी भारतीय विचारधारा के कई सारे विद्वान ऐसे हैं जो पाश्चात्य शब्द, जो इसका अंग्रेजी शब्द है रिलीजन, इसको धर्म के पर्यायवाची शब्द के रूप में स्वीकारने से हिचकिचाते हैं। क्यों? क्योंकि धर्म जो है वो रिलीजन से कहीं अधिक विस्तृत एवं नैतिक विचारधारा है। यानी अंग्रेजी का जो रिलीजन शब्द है इसका अर्थ अपने आप में संकुचित अर्थ इसका निकल कर आता है, जबकि धर्म अपने आप में व्यापक है, विस्तृत है और इसकी एक नैतिक विचारधारा है। धर्म में न केवल नैतिकता अपितु नैतिक दायित्व के भौतिक गुणों, प्रकृति और मानव के संबंधों एवं मनुष्य व जानवरों के व्यवहार को भी अंतर्निहित माना गया। यद्यपि आज के संदर्भ में इतना व्यापक दृष्टिकोण अप्रासंगिक हो सकता है, भारतीय दर्शन में व्याख्यायित तार्किक एवं नैतिक बल का आज भी हम प्रचुर मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। मूलतः यदि कोई भी धर्म अपने आध्यात्मिक पुरुषों द्वारा प्रतिपादित नैतिक मूल्यों का अवलंबन करता है तो वह मानवता के लिए सर्वथा उपयोगी होता है। दुर्भाग्यवश विभिन्न धार्मिक मतों व पंथों ने अपनी व्यक्तिगत श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए एक दूसरे से लड़ना भिड़ना शुरू कर दिया है। यानी अब विडंबना क्या हो गई है, कोई धर्म ऐसा नहीं कहता है कि आप हिंसा करें, एक दूसरे से लड़ें, ऐसा कोई भी धर्म नहीं कहता है। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है कि विभिन्न धर्मों, मतों के और पंथों ने अपनी व्यक्तिगत श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए, यानी हमारा धर्म श्रेष्ठ है इस चीज़ को स्थापित करने के लिए एक दूसरे से लड़ना भिड़ना शुरू कर दिया है। इस तरह की आपसी विरोध, विद्वेष, कलह की प्रवृत्ति ने धार्मिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर दी है। सभी धर्मों के सामान्य विश्वास व मूल्य एक जैसे होने के बावजूद वे अभी तक एक धरातल पर आने को तैयार नहीं है। यानी अगर हम देखें तो कोई धर्म ऐसा नहीं है जो हिंसा पर जोर देता हो या एकता की बात नहीं करता हो, लेकिन अगर हम हकीकत में देखें, वास्तविक रूप से देखें, तो विचारधारा सभी धर्मों की एक है, विश्वास और मूल्य एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक वो सभी धर्म जो हैं एक धरातल पर आने के लिए तैयार नहीं हैं। विभिन्न धर्मों के ज्ञान व मूल्यों का परस्पर आदान प्रदान विज्ञान से भी कई अधिक उपयोगी हो सकता है। एक वैज्ञानिक सत्य तब अधिक सुदृढ़ हो जाता है जब वह अन्य देशों में हुए शोधों से प्रमाणित माना जाता हो। यानी अगर विज्ञान की अगर हम बात करें
तो विज्ञान में कोई भी अगर कोई प्रयोग होता है तो उसे सभी देशों में उसे एक जैसी मान्यता प्राप्त होती है, तो वो और अधिक प्रमाणित माना जाता है। जिस प्रकार विज्ञान के क्षेत्र में कुछ भी विदेशी नहीं होता है, उसी तरह धर्म के क्षेत्र में भी कोई सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए। निस्संदेह विश्व में कई ऐसे समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने सभी धर्मों के व्यावहारिक संश्लेषण के प्रयत्न किए हैं। यदि सभी धर्मों के सामान्य तत्वों के समानांतर अनुभवों को एक कोष के रूप में संग्रहित किया जाता है तो धर्म की स्थिति व प्रतिष्ठा विज्ञान व लोकतंत्र के समतुल्य हो सकती है। यानी अगर सभी धर्मों की जो अच्छी बातें हैं, सामान्य तत्व हैं, और जो सभी धर्मों में समान रूप से पाई जाती है, समानांतर अनुभवों को एक कोष के रूप में, एक शब्द कोष के रूप में, जैसे एक शब्द कोष होता है जिसमें कई सारे शब्दों का समावेश होता है, इसी तरह अगर एक कोष के रूप में उन्हें संग्रहित किया जाता है तो धर्म की स्थिति और प्रतिष्ठा जो है वो विज्ञान के और लोकतंत्र के समतुल्य हो सकती है। यदि कोई धर्म सत्य की स्थापना का दावा करता है तो उसे सार्वभौमिक ग्राह्यता व प्रयोज्यता स्थापित करनी पड़ेगी। एक धर्म तभी उपयोगी है जब वह अन्य सादृश धर्मों से एक रूपता स्थापित करता हो। अंडरलाइन कर लें आप, एक धर्म तभी उपयोगी है जब वह अन्य सादृश धर्मों से, जो अन्य उसके समानांतर जो धर्म है उनसे एक रूपता स्थापित करता हो। जो धर्म दूसरे धर्मों की निंदा, भर्त्सना व तिरस्कार करता है वह उनके धार्मिक विश्वासों, प्रथाओं और रीति रिवाजों को घृणा की दृष्टि से देखता है तो ऐसा धर्म कभी भी सत्य परक व सार्वभौमिक नहीं होता है। तो ये चीज अंडरलाइन कर लें। धार्मिक मान्यताओं और आस्थाओं का किसी प्रयोगशाला में परीक्षण संभव नहीं है कि आपने अगर कोई आपकी मान्यता है तो उसका प्रयोग करके उसकी सत्यता का वहाँ प्रयोग किया जा सके, ऐसा संभव नहीं है। वही धर्म श्रेष्ठ है जो नैतिकता के पैमाने पर खरे उतरते हैं और मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रयासरत रहते हैं। अलग अलग देशों में मान्यताएं व आस्थाएं भिन्न भिन्न हो सकती है, यानी अलग अलग धर्मों की और अलग अलग देशों में मान्यताएं, विश्वास, आस्थाएं ये अलग अलग हो सकती है, परंतु सत्य और नैतिकता को देश व काल की परिधि में नहीं बांटा जा सकता। यानी जो सत्य है वो यहाँ भी सत्य रहेगा, किसी दूसरे देश में भी सत्य ही रहेगा। नैतिक सत्य सभी धर्मों में प्रेम, करुणा व दया का संदेश देता है। सभी धर्मों के समान मूल्यों से ही विश्व में श्रेष्ठ राज्य की स्थापना संभव है। अंडरलाइन कर लें इसे भी आप, सभी धर्मों के समान मूल्यों से ही विश्व में श्रेष्ठ राज्य की स्थापना संभव है। नैतिकता के नियमों का धारण ही धर्म का प्रतीक है। और आइए अब बात करते हैं हम धर्म और राजनीति की, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। प्राचीन समय से धर्म और राजनीति अथवा राजनीति और धर्म, धर्म और राजनीति या राजनीति और धर्म दोनों में गहरा संबंध रहा है। जब जब धर्म व राजनीति का नकारात्मक संसर्ग हुआ है, संसर्ग यानी मिलन, जब जब धर्म और राजनीति का नकारात्मक मिलन हुआ है तब तब राजनीति ने धर्म का दुरुपयोग किया है। बर्ट्रैंड रसेल और ईएम फोस्टर जैसे शांतिवादी विद्वानों ने धर्म की इस बात के लिए आलोचना की है कि धर्म के नाम पर शुद्ध राजनीति करने से विश्व में हमेशा खून खराबा हुआ है जो आज भी जारी है। हम देखते हैं कि धर्म के नाम पर जो भी राजनीति करते हैं तो उससे खून खराबा ही होना है। आज भी सभी धर्मों में धर्मांध कट्टरपंथी मरने मारने को तैयार है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व में कई ऐसे शक्ति समूह और संवर्ग उत्पन्न हुए हैं। प्रारंभ में धर्म शासन के लिए सुव्यवस्था और सुनीति का संस्थापक बना, लेकिन बाद में अनेक शासकों ने धर्म विशेष को अपना राजधर्म घोषित किया और अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाने के लिए धर्म की आड़ में युद्ध किए। इस्लाम, ईसाई, यहूदी और हिंदू धर्म से पृथक हुए कुछ मतों ने शक्ति की आड़ में अपनी मान्यता, अपने धर्म के विस्तार का कार्य किया। धर्म की आड़ में साम्राज्यों का विस्तार किया गया और अनेक देशों में परस्पर युद्ध हुए। विगत लगभग 2000 वर्ष का इतिहास धर्म के नाम पर अनेक बार रक्त रंजित हुआ है। यानी पिछले 2000 वर्षों का अगर इतिहास उठाकर देखें तो जितने भी युद्ध हुए हैं, जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, जितना भी रक्तपात हुआ है वो धर्म के नाम पर ही हुआ है। तो धर्म की आड़ में 20वीं सदी के उत्तरार्ध में धर्म आधारित युद्धों पर कुछ हद तक विराम अवश्य लगा, किंतु धार्मिक श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए धर्म की आड़ में आतंकी गतिविधियों की बाढ़ आ गई है। आतंकवादियों ने दूसरे धर्मानुयायियों को अकारण शिकार बनाना आरंभ कर दिया है और भारत
इसका सबसे बड़ा शिकार है। राम मनोहर लोहिया के अनुसार धर्म और राजनीति के दायरे अलग अलग हैं, परंतु दोनों की जड़ें एक है। धर्म दीर्घकालीन राजनीति है, जबकि राजनीति अल्पकालीन धर्म है। धर्म का काम भलाई करना और उसकी स्तुति करना है, जबकि राजनीति का कार्य बुराई से लड़ना और बुराई की निंदा करना है। समस्या तब उत्पन्न हो जाती है जब राजनीति बुराई से लड़ने के स्थान पर केवल निंदा करती है, तो वह कलह ही हो जाती है। इसलिए आवश्यक है कि धर्म और राजनीति के मूल तत्वों को समझा जाए। धर्म और राजनीति का विवेकपूर्ण मिलन मानवीय कल्याण में साधक होता है। अंडरलाइन कर लें, धर्म और राजनीति का विवेकपूर्ण मिलन मानवीय कल्याण में साधक होता है। यानी अगर धर्म और राजनीति का नकारात्मक संसर्ग नहीं हो और सकारात्मक विवेकपूर्ण अगर मिलन हो, तो ये मानवीय कल्याण में निश्चित रूप से साधक होता है। जबकि इन दोनों का अविवेकपूर्ण मिलन दोनों को भ्रष्ट कर देता है, जो मानवता के लिए निश्चित रूप से अनिष्टकारी होता है। इस अविवेकपूर्ण मिलन से सांप्रदायिक कट्टरता उत्पन्न होती है। यानी जब ये अविवेकपूर्ण मिलन होता है धर्म और राजनीति का, तो इसमें कट्टरता पैदा होती है। धर्म और राजनीति को पृथक करने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि दोनों अपने अपने मर्यादित क्षेत्र में सक्रिय रहें, किंतु दोनों एक दूसरे का अपनी निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए दुरुपयोग नहीं करें। वस्तुतः धर्म और राजनीति में सदैव मर्यादित संपर्क बना रहना चाहिए। यानी दोनों के मध्य, धर्म और राजनीति के मध्य संपर्क होना चाहिए, निश्चित रूप से संपर्क रहना चाहिए, लेकिन एक मर्यादित, एक निश्चित मर्यादा में ही इनका संपर्क होना चाहिए। दोनों एक दूसरे का परस्पर सकारात्मक सहयोग कर सकें, जिससे क्या होगा, एक दूसरे के मर्यादित संपर्क से क्या होगा, दोनों एक दूसरे का परस्पर सकारात्मक सहयोग कर सकेंगे। नीतिगत धर्म व धर्मप्रद राजनीति का अनुगमन विश्व शांति की स्थापना के लिए अपरिहार्य है। राजनीति का धर्म को और धर्म का राजनीति को नकारात्मक रूप से प्रभावित करना मानवता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे धार्मिक प्रतिक्रियावाद, कट्टरपन, सांप्रदायिकता व गुलामी की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, जो स्वतंत्रता व समानता जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों को प्रभावित करती है। आज विश्व में अधिकांश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत को अपनाया गया है। यानी अगर आज हम विश्व की बात करें, तो विश्व में जितने भी अधिकांश लोकतांत्रिक जितने भी देश हैं, जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को अपनाया गया है, वहाँ पर निश्चित रूप से धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत को भी अपनाया गया है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार आडंबर, आच्छादित व हठधर्मितापूर्ण धर्म, देखिए आप अंडरलाइन कर लें, स्वामी विवेकानंद के अनुसार आडंबर आच्छादित, यानी आडंबर से ढका हुआ, आडंबर से परिपूर्ण व हठधर्मितापूर्ण धर्म जो है वो मनुष्य को क्या करता है, विभाजित करता है। आडंबर आच्छादित व हठधर्मितापूर्ण धर्म मनुष्य को विभाजित करता है, जबकि अनुभव से विकसित धर्म मनुष्य को परस्पर जोड़ने का कार्य करता है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो दूसरों के लिए जीते हैं वे ही सच में जीते हैं। ध्यान दीजिए, अंडरलाइन कर लें, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है कि जो दूसरों के लिए जीते हैं वे ही सच में जीते हैं, शेष तो जीते हुए भी मरे जैसे हैं। यानी जो व्यक्ति अपने आप को धार्मिक व्यक्ति कहता है, लेकिन वो दूसरों का भलाई नहीं कर सके, दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सके, तो उस व्यक्ति का जीना भी मरने समान है। उनके अनुसार व्यक्ति और समाज में परस्पर अनुकूलता, एकात्मकता का भाव व मानवतावादी दृष्टिकोण धर्म के अनुशीलन से ही संभव है। और अब बात आती है धर्म और अहिंसा की, रिलीजन एंड नॉन वायलेंस। धर्म और अहिंसा का अटूट संबंध है, क्योंकि कोई सा भी धर्म ये नहीं कहता है, हिंसा की बात नहीं करता है, सभी धर्म अहिंसा की ही बात करते हैं। तो धर्म और अहिंसा का अटूट संबंध है। अहिंसा और धर्म दोनों के आधार तत्व हैं क्षमा, दया, करुणा, सत्य, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी। यानी अगर हम अहिंसा के टॉपिक पर बात करें, तब भी इन्हीं सब बातों की हम बात करेंगे कि अहिंसा का मतलब क्या है, क्षमा भाव, दया भाव, करुणा, सत्य, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी। और अगर हम धर्म की बात करें, तब भी इन्हीं हम तत्वों की बात करेंगे, क्षमा, दया, करुणा, सत्य, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी। तो अहिंसा और धर्म दोनों के आधार तत्व क्या है, यही सब कुछ है। इन सभी तत्वों को सभी देशों के सभी धर्मों में स्वीकार किया गया है। यानी किसी भी देश के किसी भी धर्म में इनको नकारा नहीं गया है,
इन सभी धर्मों ने इन तत्वों को स्वीकार किया है। इन मूल्यों के अभाव में किसी भी धर्म का गठन संभव नहीं है। यानी अगर किसी भी धर्म में अगर ये सारे तत्व नहीं है तो फिर वो धर्म धर्म ही नहीं है। जिस नैतिक नियम को विश्व में आजकल गोल्डन रूल या एथिक ऑफ रेसिप्रोसिटी कहा गया है, उसे भारत में प्राचीन काल से ही मान्यता प्राप्त है। सनातन धर्म में इसे धर्म सर्वस्वम अर्थात धर्म का सब कुछ कहा गया है। तो आज के लिए यहीं तक पर्याप्त है और अगली क्लास में हम इससे आगे के टॉपिक पर बात करेंगे, भारतीय संस्कृति में धर्म की संकल्पना, फिर इसके बाद धर्म की ईसाई संकल्पना यानी ईसाई धर्म में धर्म की क्या संकल्पना है, इसके बाद इस्लाम धर्म में धर्म की संकल्पना क्या है, कंसेप्ट ऑफ रिलीजन इन इस्लाम, और इसके बाद कॉन्क्लूजन निष्कर्ष हम इसका पढ़ेंगे। तब तक आपको क्या करना है, मैंने जो मेन मेन अंडरलाइन करवाया है, मेन मेन टॉपिक्स हैं और ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको आप अपनी कॉपी में लिखें, नोट्स बनाएं। नोट्स के लिए मैंने भी नोट्स बनाए हुए हैं और वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके उनको पढ़ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, घर पर कॉपी बनाएं और कॉपी बनाकर आप इन क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करें। होमवर्क आप कंप्लीट करते रहें, क्वेश्चन आंसर्स आप कंप्लीट करते रहें। इन क्वेश्चंस के आंसर जो है इन्हीं लेसन में मिलेंगे। किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं निश्चित रूप से आपको उसका जवाब दूंगा।